वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 के लिए, आप इसे ध्यान से देखें। तो देखा है इसके अंदर की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सबसे पहले हमें दिख गया आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है जिसका कोण, तो जिसका कोण कितना होता है थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो ये बोल रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर गुणित थीटा बटे 360। पाई का मान रख दो तो पाई का मान बनेगा 22/7, आर का मान भर गया अपने पास 6 गुणित थीटा, तो थीटा का मान यहाँ दिख रहा है हमें 60 बटे कितना है 360। ठीक है, अब हमें 0 से 0 कटता हुआ दिख रहा है, 6 के पहाड़े से कट जाएगा 6 6 36, ऊपर दिख रहा है 22/7, 6 की घात 2 है तो 6 को लिखना है हमें 2 बार, और बटे कितना दिख रहा है 6, ऐसा कैसा। अब 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, ऊपर बच गया है 22 और गुणित में कितना 6, और बटे में दिख रहा है हमें केवल 7, 22 में 6 का गुणा कर दो 6 दुना 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर। 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या दिया है, वृत्त की परिधि, तो हम लिख देते हैं वृत्त की परिधि, ठीक है, इसके बराबर लिख देते हैं 22 सेंटीमीटर। अब हमने वृत्त की परिधि का सूत्र याद है, क्या होता है वृत्त की परिधि का सूत्र, 2πr बराबर 22। ठीक है, यहाँ से r का मान हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें r चाहिए 2, पाई का मान हमेशा रखना होता है 22/7 गुणित r, कितना दिख रहा है इधर 22, हमें r का मान निकालना है, 7 का गुणा करना है 2 और 22 से भाग लगाना है, तो हमने 22 को इसे लिखा 7 का गुणा कर दिया क्योंकि भाग वाला चला जाता है गुणा में और गुणा वाला आ जाता है भाग में, तो 2 गुणित 22, 22 से 22 कट गया। ठीक है, अब r बराबर कितना बच गया 7/2, क्योंकि ऊपर बचा 7 बटे में बच गया 2। अब ये तो निकल गई इसकी त्रिज्या, अब हमें क्या निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है पाई आर स्क्वेयर बटे 4, हमें याद है ये फॉर्मूला क्योंकि चतुर्थांश यानी कि एक वृत्त का चौथाई। पाई का मान रख दो यहाँ पर 22/7, आर का मान रख दो, रख दिया हमने 7/2, बटे में कितना दिख रहा हमें 4, इसको 4 को रख दिया। अब ये जो 22/7 है ये तो ऐसे ही रहेगा, इस 7/2 को हम कितनी बार लिखेंगे, देखो 2 बार लिख देंगे, बटे में जो 4 दिख रहा है इसको लिख देंगे हम 1/4। ठीक है, 22/7 ऐसा कैसा, 7/2 को 2 बार लिखा, जो बटे में था उसको यहाँ पर लिख दिया क्योंकि वो इसके गुणा में आ जाएगा। अब 2 से काट देते हैं इसको कितनी बार, 11 बार, 7 से 7 कट गया और तो कुछ नहीं कट रहा है, ऊपर बच रहा है 11 गुणित 7, बटे में बच रहा है 2 गुणित 4, 11 का 7 में गुणा कर दो 77 और 4 का 2 में गुणा कर दो 8 आंसर। अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, यह आंसर निकल